This is Sloan Gupta, and in this video we are going to cover the meaning of metaphor. In last video we have covered the meaning of figure of speech and also one of the kind of them, that is simile. Okay, so in this video we are going to learn metaphor. What is metaphor? Metaphor refers to the comparison between two different things or ideas without using any comparison word. This is the most important line. This is the difference between the metaphor and simile. Let's understand it in detail. Metaphor refers to the comparison. Sir, simile में भी हमारा comparison था. हाँ. Metaphor में भी हम क्या करते हैं? हमारा comparison करते हैं. और simile में भी हम क्या करते हैं? Comparison करते हैं. Metaphor में भी हम comparison करते हैं two different things के बीच में. यहाँ पर कोई common चीज़ होना ज़रूरी नहीं है. Simile में हमारे trait common होता था, but यहाँ पर common होना कोई important नहीं है. बट यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन करते कैसे हैं? विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर हम कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड. कंपैरिजन वर्ड्स को यूज़ किए बगैर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं. सर, कंपैरिजन वर्ड मतलब हमने पढ़े थे ना सिमिलर के अंदर, लाइक, सो, एज, तो हम उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे बट फिर भी कंपैरिजन करेंगे. तो यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ों का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, बट वहाँ पर कंपैरिजन वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पर हम क्या बोलेंगे कि उस जगह पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है. सर, अगर कंपैरिजन वर्ड हो, अगर कंपैरिजन वर्ड हैं तो वहाँ पर सिमिली हो जाएगा. अगर कंपैरिजन वर्ड नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा. एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. You have a flower face. हमने पहले फिगर ऑफ स्पीच को रिवाइज कर लेते हैं. फिगर ऑफ स्पीच मीन्स क्या? अ वर्ड और फ्रेज दैट पजेस अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग. सर, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स क्या? कोई ऐसा वर्ड जो लिटरल मीनिंग से अलग मीनिंग रखता है, जिसका रियल मीनिंग लिटरल मीनिंग से अलग है. सर, लिटरल मीनिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा? यू हैव अ फ्लावर फेस, यानी आपका फेस कैसा है? फ्लावर जैसा. आपका फ्लावर फेस है क्या? ये लिटरल मीनिंग होगा क्या? लिटरल मीनिंग हो तो ऐसा कुछ, क्या ऐसा फेस होता है किसी का? नहीं. तो इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग क्या है, समझते हैं हम यहाँ पे रियल मीनिंग क्या है. रियल मीनिंग कुछ इस टाइप का. यहाँ पे फ्लावर और फेस को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर फ्लावर और फेस को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग कंपेरिजन वर्ड, यानी लाइक, सो, ऐसा यूज नहीं किया गया. सर, कंपेरिजन किस बेसिस पर किया गया है? कंपेरिजन बेसिस पर किया गया क्यूटनेस के ऊपर, सॉफ्टनेस के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है कि आपका फेस बहुत क्यूट है, बच्चों जैसा है और काफ़ी मतलब अच्छा है. नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन. यू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन. यहाँ पर कंपेरिजन किसका किया गया है? हार्ट का स्टोन के साथ कंपेरिजन किया गया है. अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे तो कुछ ऐसा सेंस निकलेगा हार्ट ऑफ स्टोन का. आपका हार्ट स्टोन का होता है? नहीं. बट इसका रियल मीनिंग क्या होगा? अगर आप इसका रियल मीनिंग समझोगे तो इसका रियल मीनिंग होगा क्रूअल. हार्ट ऑफ स्टोन मतलब क्या? जिस इंसान की बात कर रहा है वो इंसान क्या है? काफ़ी क्रूअल है. ही इज़ अ वेरी क्रूअल मैन. तो इसका रियल मीनिंग क्या होगा? क्रूअल. वो काफ़ी क्रूअल है. हार्ट ऑफ स्टोन का कोई रियल लिटरल मीनिंग तो ये निकला कि उसका हार्ट कैसा है? स्टोन जैसा है. बट रियल में क्या है? वो काफ़ी क्रूअल है. टाइम इज मनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वर्ल्ड इज अ स्टेज. आपको अगर ध्यान हो तो ये किसने कहा है? ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है. यहाँ पर कंपेरिजन किसका किया जा रहा है? वर्ल्ड का स्टेज के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है. विलियम शेक्सपियर ने बोला था कि जैसे स्टेज पर हम लोग परफॉर्मेंस करने के लिए आते हैं, ऐसे ही हम लोग इस दुनिया में ना अपने कुछ ना कुछ काम करने के लिए आते हैं. तो यहाँ पर भी क्या किया गया है? एक तरह से कंपेरिजन किया गया है वर्ल्ड का किसके साथ? स्टेज के साथ. That is to without using comparison word. यहाँ पर भी किसी word comparison word का use नहीं किया गया है. तो यहाँ पर भी कौन सा figure of speech है आपका? Metaphor. Next example. He is a night owl. Night owl means क्या? क्या वो उल्लू है? नहीं. इसका meaning क्या है? अब he एक इंसान को owl से compare किया जा रहा है. सर, comparison का basis क्या है? सर, owl रात में जागता है. Owl क्या करता है रात में? जागता है. तो यहाँ पर कंपेरिजन इंसान का क्या गया है कि वो भी इंसान रात भर जागता है. वो भी इंसान क्या करता है? रात भर जागता है. सर, जागने का रीज़न हो सकता है वो पढ़ाई करता हो या वो और कुछ काम करता हो.
तो यहाँ पे कंफर्म किस बेस पे किया गया कि वो रात भर जागता है, तो यहाँ पे इसका रियल टाइम मीनिंग क्या होगा, वो उल्लू नहीं है, ही इज नॉट अ आउल। इसका रियल मीनिंग क्या है कि वो रात में देर रात तक, वो रात को जागता है, वो रात में सोता है नहीं है, ठीक है। और हम और देखते हैं आपके एग्जांपल्स, हिज एन ऑगरे, हिज एन ऑगरे, ऑगरे का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ऑगरे का बेसिक मीनिंग होता है डीमोन, राक्षस, ठीक है। तो यहाँ पे ही को ऑग्रे बोला गया, यहाँ पे बोला गया वो इंसान राक्षस है, राक्षस कुछ ऐसा होता है दिखने में। क्या कोई आप कोई इंसान ऐसा होता है क्या, आपने किसी को देखा है ऐसा दिखते हुए, आपने कभी चलते फिरते किसी को देखा हो ऐसा, नहीं। बट इसका यहाँ पे कंपेयर, बट इस एक्चुअली कंपेयर किस बेसिस पे किया गया है, ये जो ऑग्रे होता है, ऑग्रे ये काफी बुरे होते हैं, क्या होते हैं, काफी बुरे होते हैं। तो यहाँ पे सैंडर्स का रियल मीनिंग क्या है कि ही इज अ वेरी बैड मैन, ही इज अ वेरी बैड मैन। और यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया उसका ऑगरे के साथ विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स, ठीक है, किसी वर्ड का यूज उन्होंने नहीं किया, ठीक है। आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, हैव अ गुड डे।